बाबा जी जब यंग थे ना तब उसका दिमाग बहुत चलता था, तब जो वो सोचते थे ना वो करते थे, और उसके लिए बाबा जी बहुत फेमस थे अपने समय के अंदर। पर आजकल क्या हो गया कि जो बाबा जी वो सोचते हैं कि मुझे ये करना है तो वो होता ही या नहीं। अब बाबा जी का मोटिवेशन पूरा डाउन हो गया है और यही प्रॉब्लम से परेशान थे बाबा जी बहुत। एक दिन क्या, बाबा जी फ्री में टाइम पास कर रहे थे, कुछ काम तो हो नहीं रहा था, इसलिए उन्होंने बोला बेटा गूगल में मैंने तेरा नाम सर्च मारा ना तो तेरे वीडियोज मैंने देखे, और उसके बाद में लगा कि नहीं मेरी ये प्रॉब्लम का जो सॉल्यूशन है ना वो तू ही ला सकता है। और इसके लिए बाबा जी ने मुझे ईमेल किया और उसके अंदर लिखा कि बच्चा मुझे तुझे मिलना है, तू अच्छी तरीके से मोटिवेट कर सकते हैं, मेरी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन शायद तेरे पास ही मिलेगा मुझे, तो अब मुझे तू पर्सनली मिल। तो ऐसे मुलाकात फिक्स हो गई और अब था बाबा जी से पर्सनली मिलने का। वैसे बाबा जी से ज़्यादा मैं एक्साइटेड था कि मैं बाबा जी से मिलने जा रहा हूँ। तो मैं बाबा जी के घर पे गया, मैं वहाँ पे बैठा और मेरा भाषण चालू किया। सबसे पहले मैंने सब चीज़ बाबा जी से पूछ ली कि क्या होता है, पहले क्या होता था, उसके बाद में क्या है। बाबा जी के मन में क्या घुस गया था कि बाबा जी की जो बॉडी है वो अब ये सब सहन नहीं कर सकेगी क्योंकि उसकी एज हो गई है, वो एज उसके दिमाग के अंदर घुस गई थी, वो एज उसके विल पावर के अंदर घुस गई थी। तो ये सब सुन के मैंने बाबा जी को अपने स्टाइल में समझाया कि बाबा जी देखो अपने शरीर के अंदर दो टाइप की सिस्टम होती है, पहली विल पावर सिस्टम जो टेक्निकल होती है और दूसरी है बायोलॉजिकल जो हार्डवेयर होते हैं। तो इसके अंदर क्या हुआ कि आपने ऐसा सोच लिया है कि एक चीज़ के अंदर मैं 5-6-7 घंटा अगर किसी के अंदर सोचा या किसी के ऊपर डिस्कस किया तो मैं थक जाऊंगा। आपने अपने दिमाग के अंदर ऐसा वो क्रिएट कर दिया कि अब मेरे से नहीं होगा, अब मेरी एज हो गई है। तो मैं यहाँ आपको एक सजेशन देना चाहूँगा कि जो विल पावर है ना वो अपनी तरीके से पूरे अलग ही जोन में है, और जो अपना पूरा बॉडी है ना वो पूरे अलग जोन में है। अगर विल पावर अपना आपने पूरा कड़क कर दिया, एकदम फुल कर दिया, भर के दिया ना, तो आपकी बॉडी कुछ नहीं कर सकेगी। ये विल पावर है ना वो एक CPU जैसा होता है, उसके अंदर जितना ज़्यादा RAM, जितना ज़्यादा हार्ड डिस्क, उतना ज़्यादा उसका स्पीड ज़्यादा, उतना ज़्यादा उसका स्टोरेज ज़्यादा। आपको उसके ऊपर फोकस करना है, थोड़ा मेडिटेशन करो, थोड़े मेरे वीडियोस देखो, थोड़ी ऐसी बुक्स पढ़ो, थोड़ा अपनी तरीके से पॉजिटिव वाइब्स में रहना शुरू कर दो, तो आपसे जो काम आपके अटक गए ना वो काम अब सब स्टार्ट हो जाएंगे और फुल ऑन चालू होंगे। एक एग्जांपल दूंगा कि आप जॉब पे जा रहे हो, आपने काम किया, आप शाम को घर पे आओगे आपको लगेगा मैं थक गया हूँ। दूसरे दिन एक ट्राई मारना जॉब पे जाना, अगर आपका बॉस कोई है नहीं, वो छुट्टी पे है और आपने 100% में से पूरा 90% काम नहीं किया, वहाँ पे सिर्फ बैठे ही हो, थोड़ा ही काम किया और फिर घर पे जाना, तो भी ऐसा ही लगेगा काम करके आया हो, थक गया हो। सेम कुछ काम नहीं किया तो भी आप थक गए हो, क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी ने ऐसा ठान लिया है कि 8 घंटे में इस जगह पे बैठूंगा तो मैंने काम किया। तो ये एक सबसे बड़ा झूठ है जो हमारा दिमाग हमारी बॉडी को पास आउट करता है, तो वो मैसेज पास आउट कराने बंद करने पड़ेंगे, अपने को अपना विल पावर स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। और दूसरी और आखिरी एडवाइस बाबा जी की, आपका जो सिस्टम सेटिंग है ना उसके अंदर जो डिफॉल्ट है ना वो बदल डालो। ये कांट करके शब्द आ गया ना कि मैं ये कर नहीं पाऊंगा, वो शब्द को शिफ्ट प्लस डिलीट मार दो। तो ये दो चीज को फॉलो करना पड़ेगा आपको, अगर ये फॉलो करना स्टार्ट कर दिया तो फिर से आप अपने पुराने रंग में आ जाओगे। तो बाबा जी ने पहले तो ध्यान से सब बात सुनी, समझी, सोचा, और उसके बाद में बाबा जी ने मुझे प्रसाद दिया और खुश होकर बोल दिया बच्चा तूने आज मुझे खुश कर दिया। और वैसे बाबा जी की लाइफ के अंदर ये जो उसका प्रॉब्लम था उसका सॉल्यूशन मिल गया, बाबा आजकल उसका फायदा उठा रहे हैं और आइंस्टाइन से भी ज्यादा सोचने लगे हैं क्योंकि अब उन्होंने अपना विल पावर बहुत ज्यादा एक्सपांड कर दिया है। तो मैं आपको भी एडवाइस देना चाहता हूँ कि आप भी ये सब चीजों के ऊपर ध्यान दो, ये सब चीजें एक दूसरे से मायने नहीं रखती, अपना दिमाग ही इतना स्ट्रांग बना दो कि अपनी बॉडी सिर्फ एक जरिया ही रहे, कि करने वाला एक जरिया है सिर्फ, और जो भी है वो यहाँ से स्ट्रांग हो जाओ और फिर आप भी बाबा जी बन जाओगे, फिर सबको दिखा देना ढुल्लू। तो यहाँ पे आज का भाषण खत्म, फिर मिलेंगे, टेक केयर।